ओम शांति। आज हम योग अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा प्रतिदिन शिव आसन का अभ्यास करती हूँ। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए शिव आसन का अभ्यास अति आवश्यक है। स्वयं को आत्मा समझ शिव परमात्मा को याद करना ही शिव आसन है। मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं सौभाग्यशाली आत्मा प्रतिदिन प्रभु प्रेम का अनमोल प्रसाद महायज्ञ का महाप्रसाद परमात्म ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ और सबके साथ बांट रही हूँ। प्रकाश स्वरूप शिव बाबा का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा को तथा सारे संसार की आत्मा को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्म मुहूर्त का शक्तिशाली इसमें प्राप्तियों से संपन्न अति कल्याणकारी इसमें है। मुझे इस अमूल्य समय को गवाना नहीं है। मुझे अनंत प्रकाश का अक्षय स्रोत मिल गया है। मन बुद्धि रूपी नेत्रों से मैं अपलक शक्तियों के सागर अपने पिता को निहार रही हूँ। अनेक जन्मों के बिछड़ने की सारी प्यास बुझा लेना चाहती हूँ। स्वयं को भरपूर कर लेना चाहती हूँ। इस मिलन की अलौकिक मस्ती में मैं डूब जाना चाहती हूँ। बाबा के प्यार में समाकर बाप समान बन जाना चाहती हूँ। अपने ब्राह्मण स्वरूप में स्थित होकर मैं आत्मा अपने भाग्य की सराहना कर रही हूँ। ड्रामा अनुसार मुझे संगम युग पर यह श्रेष्ठ वरदानी जीवन मिला है। शिव बाबा भी वरदाता संगम युग का समय भी वरदानी और हमारा ब्राह्मण जीवन भी वरदानी है और कर्तव्य भी वरदान देने का। यह कल्याणकारी समय अपने भाग्य की लंबी लकीर खींचने का समय है। शिव बाबा की संतान मैं भाग्यशाली आत्मा हर एक आत्मा को विशेष बनाती जा रही हूँ। दिव्य प्रकाश से अलोकित मैं आत्मा सर्व आत्माओं की ज्योति जगा रही हूँ। ओम शांति।